हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे चार्ट के जादू के ऊपर। एक्चुअल में मैं कई बार आप लोगों को एक चीज कहता रहता हूं कि चार्ट अपने आप में एक मैजिकल फील करवाता है। चार्ट अपने आप में बोलता है। कई वीडियोस के अंदर मैं आपको लगातार ये चीज कहता रहता हूं कि चार्ट आपको विनिंग ट्रेड दिलाता है। ठीक है, चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि आप चार्ट के अंदर वो मैजिक, वो जादू कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वो मैजिक कैसे फील होना शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो ये कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को 1 भी सेकंड के लिए स्किप मत करना। फिर ये वीडियो 20 मिनट का हो, चाहिए 25 मिनट का हो, अगर देखना है दिल से, मार्केट के प्रति जुनून है और मार्केट के अंदर पेशेंस है, आपका इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर देव अपने 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है। और जब एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस जब 20 मिनट में निकलता है, तब आप अपने आप में 12 साल की जर्नी कर चुके होते हैं। जो चीज मैंने मार्केट में सीखी है, जो मार्केट के अंदर मैंने गलतियां की है, जो मार्केट से मैंने पाया है, जो मार्केट के प्रति मेरी सोच है, मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से चार्ट को देखता हूँ, मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से चार्ट से बातें करता हूँ, मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से इंट्राडे के अंदर चार्ट को फील करता हूँ, मैं मार्केट के अंदर ऐसा क्या देखता हूँ कि मैं एक ट्रेड को मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग 3:30 तक होल्ड करता हूं और उसके अंदर 6 लाख का प्रॉफिट भी करता हूं। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप विनिंग ट्रेड के अंदर 10 पॉइंट में निकल जाते हो और शाम को पता चलता है कि 50 का माल साला 150 चले गया, बट आज हम चूक गए, आज हम चूक गए, आज हम चूक गए। तो आज ये वीडियो उनके ऊपर है और ये देव का वीडियो है, देव की बातें हैं। ये उस बनारस के पान की तरह है जिसको आप मुंह में रखते तो हो और रखने के साथ कड़वी लगती तो है, बट जो आनंद, जो मजा शुरू होता है एंड होते होते उसकी बात ही अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज कि चार्ट का जादू आपको दिखना कब शुरू होता है, ये चार्ट है। एक और बात, इस चार्ट को गौर से देख लीजिए। एक्चुअल में चार्ट को देखना एक नए ट्रेडर के लिए आसमान में बादलों को देखने बराबर है। बदल नहीं होते आसमान के अंदर, किसी को उसके अंदर शिवजी दिखते हैं, किसी को शिवजी का त्रिशूल दिखता है, किसी को हनुमान जी दिखते हैं, किसी को क्या दिखता है, किसी को क्या दिखता है। सबका अपना नजरिया है, सबका अपना मेथड है, सबकी अपनी सोच है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट के अंदर, देखिए चार्ट एक जैसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये चार्ट जो अभी मैं आपके सामने लेकर बैठा हूं, निफ्टी का, यही चार्ट आपके पास भी है, बट आपके दिमाग के अंदर एक कॉल की पोजीशन बनेगी कि मार्केट अब यहां से अपसाइड की तरफ जाने वाला है। यही चार्ट किसी और के पास है, वो ये सोच के बैठा है कि ये मार्केट अब यहां से गिरने वाला है, एक पुट की पोजीशन बनेगी, क्योंकि उसी जगह, सेम जगह कोई कॉल सोच के बैठा है, कोई पुट सोच के बैठा है। बट ऐसा होता है क्या? तो मैं इसी वजह से कह रहा हूं, चार्ट आसमान के बादलों की तरह है, किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है, ठीक है, बट मैजिक नजर नहीं आता साला। एक्चुअल में मैजिक नजर नहीं आता। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, हो गई बात, बादलों को थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि हमारा जो हवाई जहाज है बिल्कुल स्मूथ आगे बढ़े। आप में से कई लोग ये कहते रहते हो मुझे कि देव जी, आपके पास ऐसा क्या है, आपके पास ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ है क्या कि आपको मार्केट के अंदर एक दिन पहले पता चलता है, एक दिन पहले पता चलता है, या फिर ऐसा कुछ आपके पास है क्या जिससे आपको एक दिन पहले सब कुछ पता होता है और आप हमें ये कहते हो कि कल अगर 21,920 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो अब ये ब्रेक नहीं होगा, अब ये ब्रेक नहीं होगा, मार्केट अपसाइड की तरफ जाने वाला है, मार्केट के अंदर एक रॉकेट पोजीशन बनने वाली है, या मार्केट के अंदर एक जबरदस्त डायरेक्शन हमें देखने को
मिलने वाला है। ऐसा ही कल हमारे साथ हुआ था, गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा ही कल हमारे साथ हुआ था, देव इनविजुअल ट्रेडिंग का टेलीग्राम ऐप है जिसके अंदर कल हमने इसी चीज के ऊपर बातें की थी। और इस वीडियो की प्रोसेस मैं पिछले 5 दिन से कर रहा हूं, ये जितने भी मैंने यहां पर डाले हैं ये एक्चुअल में इस वीडियो के कंटेंट के तौर पर मैंने मैंने बनाना चाहा था, ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि जो मैं बोलता हूं एक्चुअल में वो वैसा होता भी है या नहीं। देखिए कल की स्टोरी सुनिए, सुबह मार्केट ओपन होता है, एक दिन पहले हम मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं और मैं आपको ये कहता हूं कि 21,920 का इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट निफ्टी के अंदर इस लेवल पर आता है तो बिल्कुल हम यहां पर मार्केट के अंदर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और मेरा टारगेट था इसमें 22,180, अगर आपको याद हो, एक दिन पहले का वीडियो है, जाकर के यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। कल मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है 9:15 पर, तुरंत मेरा फर्स्ट जो मैसेज होता है वो ये होता है कि 21,920 याद है या नहीं। एक्चुअली मार्केट आपका 21,920 के आसपास ही ओपन होता है। इस वीडियो को आप हो सकता है 6 महीने बाद देखें, इस वीडियो को हो सकता है आप साल भर बाद देखें, जब भी देखेंगे इस पार्ट को छोड़ करके सब कुछ फ्रेश नजर आने वाला है। और जब भी देखेंगे, आप मूवी से बोर हो सकते हैं पर इस वीडियो को जब जब देखेंगे तब तब आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अभी देखिए असली मजा आगे है, असली मजा आगे है। अब एक्चुअल में होता क्या है, 21,920 का याद है या नहीं, उसके बाद में एक्चुअल में मेरे पास जो मैसेज आ रहे थे वो इस तरीके से आ रहे थे, वो कह रहे थे मार्केट में पी में जा रहा है, मार्केट गिर रहा है और आप सी की बात कर रहे हो। तो मैंने उनको मैसेज किया था, ये तो मैसेज यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आया था, हालांकि पर्सनल मेरे पास किस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि देव सर आप पागल हो गए, आपके अंदर दिमाग नहीं है, मार्केट गिर रहा है, आप कॉल के बारे में बता रहे हो। तो फिर मैंने मैसेज किया था कि हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के कुछ अलग, और उसके बाद में मैं एक निफ्टी के अंदर कॉल की पोजिशन बनाता हूँ। कई सारे मैसेज आए थे कल, उसके बाद में बातें आगे करेंगे। उसके बाद में मैं निफ्टी के अंदर 12,600 क्वांटिटी के अंदर 53 रुपए में 22,200 की कॉल बाई करता हूं, और जिसके अंदर एंड होते होते हमें लगभग लगभग 6 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे एंड शाम तक देखने को मिला। मैं इसके अंदर क्वांटिटी अपनी कम करते हुए चले जा रहा था, क्वांटिटी अपनी कम करते हुए चले जा रहा था, लगभग 5.5 लाख का माल था और 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था, क्योंकि 53 की चीज आपकी 150 अबाउट चले गई थी, ठीक है। और 21,920 से मार्केट आपका सीधा अपसाइड के अंदर 22,180 चले गया था, हमारे टारगेट के आसपास, ठीक है। ये बात हो गई। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सर्च करके नहीं जुड़ना है आपको टेलीग्राम पर, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के दिए गए लिंक के द्वारा ही जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चैनल एक है पर कुछ हमारे ऐसे भी लाडले हैं जो हमारे नाम से 100 के अबाव प्लस चैनल ओपन करके बैठे हुए हैं, ठीक। ये बात हो चुकी। अब आप में से कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर आपके पास ऐसा क्या है कि आपको ये चीज पता थी कि 21,920 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, कई चीजें हैं। और आप हमें ये भी बोलते रहते हो, अक्सर मैं वीडियो पे ये बोलता रहता हूं कि आउट ऑफ द मनी की ट्रेड नहीं लेनी है, हमेशा इन द मनी की ट्रेड लेनी है। बट वही गलती मैं करता हूं, 21,920 के आसपास मार्केट है और मैं 22,200 की ट्रेड कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा हूं। रीजन क्या है? तो फर्स्ट रीजन तो ये सुनिए कि कहीं ना कहीं 90% में ये श्योर था कि 21,920 से अगर मार्केट चलेगा तो 22,200 जाएगा ही जाएगा, इसलिए मेरे पास 22,200 की ट्रेड थी। फर्स्ट रीजन तो ये था। और सेकंड रीजन ये था कि मैं इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंसली, इतना खुद के ऊपर इतना भरोसा था कि इस ट्रेड को मैं मॉर्निंग में 9:30 से लेकर के इवनिंग में 3:20 तक इसको होल्ड करके लेके गया। ये भरोसा था, विश्वास था, विश्वास के ऊपर सारे गेम खेले जाते हैं। अब सुनो, हो गई इतनी बात, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अमेरिका के अंदर एक चेस प्लेयर थे, चेस समझते हो आप, शतरंज का गेम समझते हो। तो एक्चुअल में उनके साथ बड़ी अच्छी खिलाड़ी थी, जबरदस्त। अब एक्चुअल में जैसे कई सारे गेम होते हैं,
लूडो हुआ, कई सारे गेम है जिनके अंदर किस्मत चलती है, नसीब नसीब चलता है। कि वहां पर गोटी वाला सिस्टम है ना, कि 6 आया तो आपकी गोटी खुलेगी, 1 आया तो आप किसी की खा सकते हो, 3 आया तो आपके अंदर जाएगी, वो नसीब के ऊपर है। बट जो चेस का गेम है, शतरंज का गेम है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उसमें पूरा कंप्लीट 100% आपका दिमाग चलता है, आपकी माइंड साइकोलॉजी चलती है। कि सामने वाला जब चाल चलता है तो आपको उस चाल के ऊपर कौन सी चाल चलनी है। आप में से अगर कोई चेस खेलते हो, शतरंज खेलते हो, जी मैं शतरंज का काफी अच्छा प्लेयर हूं और रहा हुआ भी हूं और हूं भी, ठीक है। तो चेस के अंदर ऐसा होता है, और चेस के अंदर एक चीज और है, सामने वाले ने चाल चल दी तो सामने वाले को चाल चलने के लिए, उस चाल के बदले चाल चलने के लिए 5 या 10 मिनट का टाइम लगता ही लगता है। चेस का गेम लंबा चलता है, ठीक। बट एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूं, अमेरिका की एक प्लेयर थी, उनके साथ एक जबरदस्त सेटअप ये था कि सामने वाला कितना ही स्ट्रोंग खिलाड़ी हो, वो जब अपनी चाल चलता था तो ये बंदी 1 मिनट के अंदर अपनी चाल चल देती थी, 1 मिनट के अंदर। इतना फास्ट इनका डिसीजन होता था कि 1 मिनट के कम टाइम के अंदर ये अपनी चाल चल देती थी, ठीक है। इतना फास्ट कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, इतना सेल्फ, समझ लीजिए कि वो इतने कम समय के अंदर चाल चल देती। अब एक्चुअल में जब ऐसा निरंतर होता गया, काफी पुरानी खिलाड़ी थी, 15-20 साल से वो गेम खेल रही थी, तो उनके ऊपर रिसर्च होने लगे कि ऐसा क्या है जो ये इतना फास्ट डिसीजन लेते हैं, जो इतना फास्ट डिसीजन लेते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर ये चाल चल देती है। तो उनके दिमाग के ऊपर रिसर्च हुआ, जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर एनालिस्ट करते हैं, तो उस एनालिस्ट के अंदर ये निकल कर आया कि आज से पहले इसके दिमाग में एक लाइब्रेरी बन चुकी है, इसके दिमाग में एक लाइब्रेरी बन चुकी है, और ऐसी चालें उन्होंने पहले बहुत सारी देख चुके हैं, ऐसी चाल वो बहुत सारी देख चुकी है ऑलरेडी, और उन चाल के बदले कौन सी चाल चलनी है, उन चाल के बदले कौन सी चाल चलनी है। इतना फास्ट डिसीजन कि उनके दिमाग के अंदर इतना स्टोरेज भरा हुआ है उस गेम के प्रति, उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, कि वो उन सामने वाले की चाल को देख करके उनके दिमाग के अंदर से एक पिक निकल कर उनकी नजरों के सामने आती है कि मुझे अब इस चाल के बदले ये चाल चलनी है। सब जीतने के लिए खेलते हैं, पक्को सी बात है वो भी जीतने के लिए खेलते होंगे, हालांकि कभी हारे भी होंगे, ऐसा कुछ है नहीं, पर उनके दिमाग के अंदर इतना फास्ट डिसीजन लेने की पावर जनरेट थी, क्योंकि उन्होंने उस गेम को काफी टाइम दिया था, तो उनके अंदर वो क्वालिटी, उनके दिमाग के अंदर डिसीजन, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने उस गेम को जिया है। कहीं ना कहीं जो चाल सामने वाला चल रहा है उस चाल को उन्होंने जिया है लाइव, कहीं ना कहीं पहले कभी। तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उस चीज को आपके सामने रखता है कि अब मुझे क्या डिसीजन लेना है, अब मुझे क्या चाल चलनी है, ठीक हो चुकी। तो मैंने अब आपको ये स्टोरी सुनाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तो बिल्कुल इसी तरह हमारे चार्ट की जो एनालिस्ट होती है, गौर से सुनना, बिल्कुल इसी तरह हमारे चार्ट की जो एनालिस्ट होती है इसी तरह काम करती है, बिल्कुल एग्जिट इसी तरीके से काम करती है चार्ट का जादू। तब हमें पता चलना शुरू होता है जब हमारा दिमाग रिकॉल करना शुरू करता है, जब हमारा दिमाग रिकॉल करना शुरू करता है। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, गौर से सुनना, एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, गौर से सुनना। रिकॉल वाला मेथड आ चुका है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, रिकॉल, रिकॉल, रिकॉल का मतलब समझ रहे हो आप, जब आपका दिमाग आपको रिकॉल करना शुरू करता है, रिकॉल, समझ रहे हो, रिकॉल का मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट आपको जो आप
आपका दिमाग आपको उस चीज के लिए रिकॉल कर रहा है या आपको वो चीज बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने इस चीज को जिया है पहले, आपने शायद उस जगह एक विनिंग ट्रेड निकाली है, शायद आप उस जगह फेलियर रहे हो, ऐसा कुछ वैसा कुछ, समझ रहे हो आप? तो ये वाले सीन है। अब सुनिए असली चीज, रिकॉल का मतलब समझे कि दिमाग आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को पहले जी चुके, कहीं ना कहीं आपने इस चार्ट के अंदर ये सेटअप जो आप देख रहे हो इसके ऊपर आपने आप काम कर चुके, और इस सेटअप के ऊपर क्या हुआ था, आपने तेजी की पोजीशन बनाई थी, आपने एक मंदी की पोजीशन बनाई थी, उसमें लॉस हुआ था या उसके अंदर प्रॉफिट हुआ था, बट आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी वो आपको रिकॉल कर रही है, तजुर्बा जो आपने उस चीज के ऊपर आप जी चुके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हमारा दिमाग स्टोरेज करता रहता है, जब तक हमारा दिमाग स्टोरेज करता रहता है तब तक हमें चार्ट का मैजिक नहीं दिखाई देता। नए नए ट्रेडर आते हैं, उनको चार्ट ही समझ में नहीं आता, उनको चार्ट ही समझ में नहीं आता। एक्चुअल में हो क्या रहा है, स्टोरेज हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, दिमाग के अंदर स्टोरेज हो रहा है, आपकी एक नई क्या बोलते हो, लाइब्रेरी बनना शुरू हुई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि एक कोई भी इस संसार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, सबसे टैलेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट, तजुर्बा। और आपने देखा होगा टैलेंट वाले इंसान को ज्यादा फीस मिलती, नए के बदले टैलेंट वाले इंसान को ज्यादा फीस मिलती, फिर वो कोई सा भी। और एक चीज और सीखना कि संसार के अंदर वो बात अभी अधूरी नहीं हुई है, रिकॉल वाली बात अभी अधूरी नहीं हुई है, उसके अंदर मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूं। इस संसार के अंदर इंसान की किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं होती है, अगर वैल्यू है तो टैलेंट की है, आपके तजुर्बे की है, आपके टैलेंट की है। और एक्सप्लेन करके बताऊं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिसे हम इंडियंस दिल से सैल्यूट करते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो एक हिंदू है या मुसलमान है, वो हमारे दिल के अंदर राज करते हैं, किंग है वो। हाँ नहीं थी सकल सूरत पर वो किंग है क्योंकि टैलेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप चार्ट को देख रहे हो ये चार्ट है, एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अब क्लोज मार्केट के अंदर आप इस चार्ट को देख रहे हो, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। एक्चुअल में अपने आप में ये चार्ट हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री से पैसा नहीं बनता है, मार्केट के अंदर हिस्ट्री से पैसा नहीं बनता है। एक्चुअल में कल क्या होने वाला है, इसका प्रेजेंट क्या होने वाला है, और प्रेजेंट के अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कल मार्केट के अंदर एक तेजी होने वाली है, एक मंदी होने वाली है, हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि इसको देखने से पैसा नहीं बनेगा। ये तो हिस्ट्री हो चुका, ये चल चुका, इसके ऊपर हम वर्क कर चुके, अब इससे पैसा नहीं बनेगा। अब पैसा बनेगा कि अब क्या होने वाला है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जा करके, मैंने आपको 21,920 का जो लेवल बताया था उसके अंदर मैंने आपको, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो, अगर आप नए भी हो तो इससे पहले का कल परसों का वीडियो अपलोड है जिसमें रोज एनालिस करते हैं, उसके अंदर मैंने आपको क्लीन कट एक चीज बताई थी कि क्या कारण है कि अब 21,920 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, क्या कारण, क्यों। आप लोग मुझे कहते रहते हो ना गंगाधर ही शक्तिमान है, आप देवसर मार्केट के बादशाह हो, ये हो, एक्चुअल में मुझे रिकॉल आते हैं, मुझे रिकॉल आते हैं क्योंकि मैंने इस मार्केट को जिया है, कहीं ना कहीं मैंने इस ऐसे सेटअप पर पहले वर्क कर चुका जी, मैं ऐसे सेटअप के ऊपर पहले कई बार वर्क कर चुका, मुझे इस सेटअप के रिकॉल आते हैं क्योंकि मेरा स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे रिकॉल आना शुरू हो रहे हैं। बट एक नए ट्रेडर के साथ अभी वो रिकॉल वाले सिस्टम नहीं हुए, अभी रिकॉल वाले सिस्टम नहीं हुए हैं,
कारण क्या है कि कहीं ना कहीं या तो वो बिल्कुल नए हैं या मार्केट के अंदर अभी वो प्रैक्टिस के दौर में, अभी वो मार्केट के अंदर प्रैक्टिस के दौर के अंदर है, तो उनको नहीं समझ में आता कि अब क्या होने वाला है, मार्केट क्या एक्शन करने वाला है, डाउन का अप का, या मार्केट साइडवेज रहने वाला है। कई बार मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लीन कट के अंदर बोल देता हूं कि कल मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, मार्केट रेंज क्रिएट करेगा। क्या है ये? क्योंकि मैं ऐसे सेटअप के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर चुका और कई बार मैं इन चीजों से गुजर चुका, तो ऐसे सेटअप देख करके, ऐसे हिस्ट्री देख करके मैं मार्केट के अंदर कल क्या एक्शन होने वाला है उसका अंदाजा लगा करके मैं आपको रोज एक एनालिस्ट वीडियो अपलोड कर देता हूं, जिसके ऊपर आप 30K लोग मेरा पर डे इंतजार करते हो, पर डे आप मेरे वीडियो देखते हो। कारण क्या है? देव भगवान नहीं है, देव इंसान है। और ये मार्केट के अंदर रिकॉल कब शुरू होते हैं, मार्केट के अंदर रिकॉल कब शुरू होते हैं, मार्केट के रिकॉल शुरू होते हैं आपके जुनून के ऊपर, आपके जुनून के ऊपर कि आपके अंदर इसको लेकर के कितना जुनून है। ये उसी तरीके से है कि पनिहार नहीं होती जो घड़े को भर करके अपने सिर के ऊपर लेकर चलती। घड़ा कब छलकता है? घड़ा कब छलकता है? जब वो पूरा भर जाता है। और जब छलकता है ना, जब छलकता है ना, तो जो उसको अपने सिर पर रखती है वो पूरी भीग जाती है, वो पूरी भीग जाती है उस पानी के अंदर। तो अभी घड़ा भरना शुरू हो रहा है, और घड़ा क्या है? आपका माइंड। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सीखने की अलग-अलग स्टेप होती है। एक क्लास होती है, क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से 10% फर्स्ट डिवीजन आते हैं, 40% आपके सेकंड डिवीजन आते हैं, और 5% टॉप पर निकलते हैं, और बाकी के थर्ड डिवीजन आते हैं या कुछ फेल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? टीचर एक है, स्टडी कराने वाला एक है, बट सब कुछ माइंड सेट के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो, कितनी आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। कि या कई बार आपने देखा है किसी इंसान का, किसी बच्चे का मन किसी एक गेम के प्रति जबरदस्त होता है, फिर वो क्रिकेट हो या फिर वॉलीबॉल हो या कुछ भी हो, किसी बच्चे का दिमाग इतना शार्प होता है कि वो स्टडी के पीछे इतना पागल होता है। और कई मेरे जैसे निठल्ले होते हैं जिनको घर वाले ये कहते रहते हैं साले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और हम जैसे है ना ना बुक को सामने आते ही नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो अपना अपना पीस थे ना, अपने अपना जुनून है किसी एक चीज के प्रति। मेरा मार्केट के प्रति था शुरू से, बचपन से, जब से मैंने समझना शुरू किया, जब से ये चीज मुझे पता चली है तब से। तो ये जुनून डिसाइड करता है कि आप उस चीज को कितना जल्दी ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस चीज को कितना जल्दी सीख रहे हो, और जितना जल्दी आप कितना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रोज लाइव मार्केट के अंदर हम चार्ट देखते हैं, रोज लाइव मार्केट के अंदर हम पैसा कमाते हैं, गवाते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर पैसा गवा भी रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस मार्केट से हासिल कर रहे हैं कि आज एक ऐसा सेटअप बना था जिसके ऊपर हमने ट्रेड ली थी बट हम हार गए। आप पैसे खो रहे हो पर एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हो। जब लाइव के अंदर वो दोबारा सेटअप आपके सामने बनेगा तो दिमाग आपको रिकॉल करेगा, ऑटोमेटिक होगा ये, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। जब बच्चा बचपन के अंदर शुरू फर्स्ट बार चलना शुरू होता है ना, तो बिल्कुल बच्चा होता है, उसे डर लगता है कि मैं खड़े होकर गिर नहीं जाऊं, पर जैसे ही उसके कदम आगे बढ़ने शुरू होता है ना, ऑटोमेटिक पिछला कदम ऑटोमेटिक उठ जाता है। जब आप चलते हुए सोचते हो क्या कि मेरा पिछला पैर मैं उठा के आगे रखूं, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सब कुछ। तो इंतजार किसका करना है? रिकॉल का। और इंतजार नहीं करना, मेहनत करनी है चार्ट के ऊपर, सेटअप के ऊपर सीखना है, ताकि दिमाग आपको जल्द से जल्द उन चीजों के ऊपर रिकॉल करना शुरू करे। आपको अभी हाल फिलहाल जिंदगी के अंदर जितने भी रिकॉल मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं? या तो एक टेलीग्राम चैनल के, जिसके अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये स्टॉक आप परचेज कर लो, वो स्टॉक आप परचेज कर लो। एक्चुअल में इनसे पैसा नहीं बनेगा, इनसे वो घड़ा नहीं छलकेगा,
इनसे वो घड़ा नहीं छलकेगा। और जिस दिन आपके रिकॉल से, आपकी मेहनत से, आपकी शिद्दत से, आपके जुनून से जब वो घड़ा छलकेगा ना, और उस भीगने में जो मजा होगा ना, तृप्त हो जाएगी आत्मा, आत्मा तृप्त हो जाएगी कि हाँ आज आया मजा। अभी भर रहा है, अभी भर रहा है, अभी तक दिमाग रिकॉल नहीं कर रहा है, और ये सब आपके जुनून के हिसाब किताब से होगा। और असली खेल उस दिन शुरू होगा जब, जिस दिन दिमाग आपको रिकॉल देना शुरू कर देगा। और मैं आप लोगों को कई बार कहता रहता हूं कि इस मार्केट के अंदर 10 साल का लॉस, 10 साल की गलतियां 6 मंथ के अंदर क्लियर हो जाती है। 6 मंथ के अंदर ये चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। आने तो दीजिए उस रिकॉल को एक बार, आने तो दीजिए कि आप उस चीज के ऊपर, पहले आपने उसके ऊपर स्टडी कर रखी है, आपने उस, आप उस चीज के साथ जिए हुए हो, अपने लम्हे, आपने उस चीज को टाइम दिया है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस जगह फेल थे, पास थे, फेलियर थे, या आपने वहां पर एक विनिंग ट्रेड निकाली थी, कितना कमाया था, कितना गवाया था। बट आने तो दीजिए उस रिकॉल को, असली खेल उस दिन शुरू होगा। और उस दिन ये रेस का घोड़ा उस स्पीड से चलना शुरू होगा ना, उस दिन पता चलेगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। माइंड साइकोलॉजी का गेम है, सब कुछ माइंड साइकोलॉजी का गेम, सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिकॉल जब, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको इस कॉल के ऊपर नजर रखनी है या इस पुट के ऊपर नजर रखनी है, आप सुन मेरी रहे हो, आपके माइंड सेट से वो चीज नहीं चल रही है, ये आपको कोई और बोले। बट जब आपका दिमाग उस चीज के लिए तैयार हो जाता है ना, अभी आप 100 क्वांटिटी के अंदर घबराते हो, 10 पॉइंट लेने में घबरा जाते हो, 20 पॉइंट में लेने में घबरा जाते हो, 100 क्वांटिटी में आप घबरा जाते हो, पर जिस दिन माइंड सेट आपका, दिल दिमाग आपका खुद से ये बोलेगा ना, हाँ यार इस जगह तो हम पहले कर चुके, और अब मार्केट के अंदर ये एक्शन होने वाला है, जिस तरीके से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि 21,920 ब्रेक नहीं होगा, यहां से मार्केट छलांग लगाएगा, 22,200 भी जाएगा और आउट ऑफ द मनी के अंदर भी जाएगा, आउट ऑफ द मनी के अंदर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस था और इतना जबरदस्त था कि इसी के साथ मैंने आपको मैसेज किया कि 21,920 याद है या नहीं, और पैसा बनता है। पैसा कॉल पुट से नहीं बनता, पैसा बनता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तब 100 क्वांटिटी क्या 1,000 भी उठा लोगे, और मन ये कहेगा अरे लगा दो 5,000 रुपये यार, लगा दो। क्यों? क्योंकि अब कोई और की कॉल पे आप काम नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर काम कर रहे, अपने हिम्मत के ऊपर काम कर रहे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर रहे। उस दिन आती है असली ताकत अंदर से, जब आपका माइंड, आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि हाँ इस पर ये हुआ था और अब ये होगा, अब ये होगा और अब ये खेल होगा, तब लगता है दाव। उस दिन पता चलता है रेस के घोड़े की स्पीड क्या है। तो लड़नो ये है, आने दीजिए, मेहनत कीजिए इस चार्ट के ऊपर, सीखने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको जिताएगी, यही वो मैदान है, इसी के अंदर खेलना है, यही वो मैदान है जिसे फतेह करना है। और ये नहीं देखना कि 10 साल से है या 5 साल से है, क्या पता स्टोरेज फुल नहीं हुआ हो, क्या पता हमारा घड़ा भी भरने के आसपास हो। पर मैं आपको एक चीज अपने आत्मविश्वास से, अपने भरोसे से ये कहना चाहता हूं कि 10 साल का जो क्लेश था ना, वो साला 6 महीने के अंदर नहीं क्लियर हो जाए ना, नाम बदल देना। बट रखना है पेशेंस। एक्चुअल में कई लोगों को रिकॉल आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जितने पुराने लोग हैं उनको रिकॉल आते हैं, वो समझते हैं मार्केट को कि मार्केट के अंदर अब ये एक्शन होने वाला है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाला है। बट एक्चुअली में उनके साथ होता क्या है, पैसा भी बनता है, होता क्या है, पेशेंस नहीं रख पाते। जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा उस दिन वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे,
जिस दिन उनका दिमाग उनको बिल्कुल क्लियर ये कहता है, सजेस्ट करता है कि आज मार्केट में काम नहीं करना, बट आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं, वो शराब भी नहीं होता, उसको घर वाले कितना ही मना करते, भाई नहीं पीनी तुझे, पर वो पिएगा, नाली में गिरना है उसे, साले को उसे गिरना है। तो आदत वश नहीं करना है, जब आपका माइंड सेट, जब आपका दिल और दिमाग दोनों ये कहे कि लौंडे खेल जा, तब खेलना है। क्या? तब खेलना है। तो ये बनारस का पान था, आपको अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो वो आपके ऊपर है। अगर दिल से पसंद आया वीडियो, ऐसे कंटेंट मैं पहले काफी बनाता था, कुछ दिनों से थोड़ा सा किसी और काम में बिजी हो गया था। देव इन विजुअल ट्रेडिंग का ऐप हमारा यूट्यूब पर चैनल है, कई ऐसे जबरदस्त जबरदस्त कंटेंट लेके आया था जिनको आपने जबरदस्त प्यार दिया है, ढाई ढाई 2-2 लाख के आसपास, जबरदस्त। हमारी एक स्ट्रेटेजी राम बलराम जबरदस्त। और मेरा सोचना ये है कि इस वीडियो को भी आप इतना ही प्यार देंगे, इतना ही मुझे आपके प्रति सम्मान देखने को मिलेगा। तो देखिए, समझिए, देव बहकाता नहीं, देव तो रियलिटी पे बात करता है। खिलाड़ियों को रिकॉल आ जाने तो एक बार, बस खेल जाएंगे, खेल जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना था। अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आवेश बस, क्योंकि ये वीडियो दिमाग से नहीं, दिल से बना है। अगर कुछ आपको ऐसा लगा हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।